हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शेडिंग करना सीखेंगे, वो भी सिंगल स्ट्रैंड के साथ। हम सिल्कन थ्रेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसे फिलिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इस फिलिंग को नीडल पेंटिंग भी बोलते हैं। मैंने पहले भी आपको टू स्ट्रैंड्स के साथ शेडिंग करना सिखाया है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंड के साथ शेडिंग कर रहे हैं। मैं ये एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता था। मेरी एक फ्रेंड ने, आप में से ही किसी एक फ्रेंड ने इसका नाम बताया और मुझसे इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में पूछा, तब मैंने ये जाना कि इसे नीडल पेंटिंग भी बोलते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों से भी सीखती हूँ। आप पूछते हैं, मैं सर्च करती हूँ, रीड करती हूँ और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आती हूँ। तो आई होप आप मेरे इस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे। मैं इस एम्ब्रॉयडरी को सिल्क के थ्रेड के साथ करूंगी। आप एंकर के सिंगल स्ट्रैंड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इस एम्ब्रॉयडरी की जो अच्छी लुक है वो सिल्कन थ्रेड के साथ ही आती है। ये थ्रेड जो है वो मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज होते हैं और हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए भी यूज होते हैं। काफी बारीक थ्रेड होता है और इसके काम जो होता है वो बहुत डेलिकेट होता है। ये आप कॉटन पे, सिल्क पे, किसी पे भी इस थ्रेड के साथ वर्क कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस सिंगल स्ट्रैंड के साथ शेडिंग करना सिखाऊंगी। ये जो नीडल है, देखें, सिंगल स्ट्रैंड के साथ वर्क कर रहे हैं तो हम नीडल भी जो है वो बारीक लेंगे। ये 10 नंबर की नीडल है तो इसके साथ हम वर्क करेंगे। ये मैंने एक शेड डाल लिया है और इसको दूसरी तरफ गांठ नहीं लगानी, बिना गांठ लगाए ही हम वर्क करेंगे। हम यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए टॉप पे अपने नीडल को निकालेंगे। उसके बाद हम इसको यूं नीचे टकिंग करते हैं और इसके बिल्कुल पास दोबारा से नीडल को निकालते हैं। यूं स्टिचेस छोटे बड़े लेते जाएंगे। ये देखें, फिर से ये देखें, हम बीच में छोटे स्टिचेस और बीच में बड़े स्टिचेस नीचे की तरफ और लाइन के साथ साथ वर्क करते हुए लेते हैं। नीचे का कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए इसको हमने बिल्कुल पास पास वर्क करना है। थ्रेड को एक ही साइड में रखेंगे और नीडल को आर पार निकालते हैं। ये देखिए, हम नीचे से इसको यूं टकिंग करते हैं और ऊपर इसके पास यहां निकालते हैं। इसे साटन स्टिच बोलते हैं और ये साटन स्टिच जो है ये फिलिंग के काम आता है और इसे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच भी बोलते हैं, क्योंकि हमने बीच में छोटे स्टिचेस लेने हैं और बीच में बड़े स्टिचेस लेने हैं और यूं ही इसको वर्क करते हुए हम पूरी पेटल को फिल करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर के 1/3 पोर्शन जो है उसको फिल करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड कलर के साथ शेडिंग करेंगे और उसके बाद लास्ट में थर्ड कलर के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम इन स्टिचेस को हल्का हल्का अंदर की तरफ बेंड करेंगे। देखिए, ये बहुत बारीक थ्रेड है और काम भी बहुत बारीक होता है, तो
तो इसलिए इसमें आपको पेशेंस चाहिए काम करने के लिए, ये बहुत जल्दी नहीं बनता। थ्रेड को हमने एक तरफ ही रखना है, जैसे हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा है, तो हर बार हमारा थ्रेड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रहेगा। तो ये देखिए हमने हाफ जो साइड है उसको फिल कर लिया है। आप बीच बीच में अगर आपको कहीं गैप दिखाई देता है या क्लॉथ दिख रहा है तो आप दोबारा से भी यूं स्टिचेस ले सकते हैं, और यूं ही स्टिचेस लेते हुए हम फिर से टॉप पे जाएंगे। अब हम फिर से यहां से इसके पास से शुरू करेंगे और ये जो रिमेनिंग लीफ है इसको फिल करेंगे। अब थ्रेड को हम राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। अभी मैं आपको ये स्मॉल पेटल जो है इसमें फिल करना या शेड करना सिखा रही हूं, लेकिन अगर बहुत बड़ी लीफ है या बहुत बड़ी पेटल है उसको कैसे भरना है उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मेथड तो यही है, साटन स्टिच के साथ ही करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से करते हैं। वो जब मैं आपको बड़ी लीफ बनाना सिखाऊंगी तो वो मेथड भी सिखाऊंगी कि इसको कैसे वर्क करते हैं। बेंड पे आती है तो हम स्टिचेस को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखें यहां पे आपको गैप्स दिख रहे हैं, हम इनको दोबारा फिल करते हुए टॉप की तरफ जाएंगे ताकि हमारा नीचे का क्लॉथ जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और थ्रेड लगाने के लिए हम फिर से वही मेथड अपनाएंगे, यूं इस छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए यहां पे नीडल निकालनी है वहां ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 1/3 पेटल जो है उसको यूं ही स्ट्रेट स्टिचेस के साथ भर लिया है, जिसे हम साटन स्टिच बोलते हैं। स्टिचेस हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के लिए हैं। तो ये देखिए हमने एक कलर के साथ इसको फिल कर लिया। अब इस थ्रेड को हम यूं यहां पे 2-4 स्टिचेस लेके नीचे की तरफ छोड़ देंगे। अब हमने डार्कर शेड दिया है, अब इसको भी इसी तरीके से नीचे पहले स्टिच को यूं लेते हुए टॉप पे निकालेंगे। अब सेकंड शेड भी हम इसी तरीके से फिल करेंगे। अब हमारे पास पहले आउटलाइनिंग थी तो हम बाहर की आउटलाइनिंग के ऊपर वर्क कर रहे थे, अब हमारे पास कोई आउटलाइनिंग नहीं है, हमने इसके नीचे शेडिंग करनी है। शेडिंग का एक ही तरीका है कि आपने डायरेक्शन देखनी है, ये डायरेक्शन सेंटर की तरफ पॉइंट होनी चाहिए, तो आपने स्टिचेस को ऐसे ऐसे लेना है, सेंटर के स्ट्रेट और साइडों के थोड़े टेढ़े। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूं पहले रफली डायरेक्शन दे ले, ये देखें छोटे बड़े स्टिचेस लगा के यूं रफली डायरेक्शन दे लें ताकि आपको डायरेक्शन का पता लग जाए कि आपके स्टिचेस जो हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम इधर भी स्टिचेस लेंगे। और
सारे स्टिचेस को हम सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब हमें डायरेक्शन का पता चल गया कि हमने स्टिचेस को इस तरीके से लेना है। अब इस साइड से शुरू करेंगे और सारी स्पेस को हम यूं ही शेडिंग के साथ फिल करेंगे। अब ऊपर वाली डिमार्केशन, जैसे पहले हमारे पास ये ऊपर वाली आउटलाइनिंग थी तो हमने उसके साथ साथ वर्क किया। अब यहां हमारे पास कोई आउटलाइनिंग नहीं है, इसलिए हमने स्टिचेस को इसको इस तरीके से लेना है कि कोई स्टिच हम ऊपर से लेंगे, कोई नीचे से लेंगे, ऊपर से नीचे से, इस तरीके से लेंगे ताकि ये स्ट्रोक्स की तरह, जैसे पेंटिंग में स्ट्रोक्स होते हैं, उस तरह से दिखाई दे, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। सिर्फ एक ही जगह से या एक ही लाइन पे वर्क नहीं करना। तो आप मेरी स्टिचेस को देखें, मैं कैसे लेती हूं, ये देखें। एक ही पॉइंट से नहीं लेने, कभी हमने स्टिच को ऊपर ले जाना है और कभी नीचे, ऊपर की साइड, क्योंकि नीचे अभी हमने एक शेडिंग और लगानी है। ये देखिए, हम ऊपर की तरफ भी स्टिचेस को कभी तो ऊपर ले जाते हैं, कभी हम नीचे रखते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो स्पेस है इसको हमने पूरा फिल करना है। सेंटर के स्टिचेस बड़े ले रहे हैं और फिर उसके बाद थोड़े छोटे भी। अब एक बार फिर से हम इसकी गैप जो है उनको फिल करेंगे। अगर कोई गैप दिख रहा है तो उसको हम फिल कर लेंगे ताकि हमारे नीचे का कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। क्योंकि ये बहुत ही बारीक थ्रेड है, तो इसके अगर स्टिचेस जो हैं आप ऊपर नीचे लोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने पेंटिंग की है। इसीलिए इस स्टिच को हम नीडल पेंटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे हमने नीडल के साथ पेंट किया हो। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी ब्यूटीफुल शेडिंग हुई है, बिल्कुल पेंटिंग की तरह। अब हम इसका तीसरा कलर लगाएंगे नीचे, क्योंकि ये पेटल्स छोटी हैं, इसमें सिर्फ तीन कलर्स की ही शेडिंग होगी, लेकिन अगर पेटल बड़ी है तो उसमें हम ज्यादा शेडिंग्स भी कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए यूं आप देखें कि हमने जो शेडिंग है वो इस तरीके से करनी है कि ये वाली शेड दिखाई दे और ये जो शेड है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ पॉइंट हो। तो हमने स्टिचेस किस तरीके से लेने हैं उसकी हम पहले रफ डिटेलिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हम यूं पहले स्टिचेस लगाकर डायरेक्शन तय कर लेंगे कि हमने किस तरीके से स्टिचेस को लेना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही शुरू कर देंगे तो हमें डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी डायरेक्शन देख लेंगे। इसमें भी वही कंडीशन है कि ऊपर वाली जो डिमार्केशन है वो नहीं है, हमने शेडिंग इफेक्ट देना है, इसलिए स्टिचेस जो हैं वो ऊपर नीचे लिए जाएंगे। ये देखें कुछ स्टिचेस ऊपर, इसमें आपको और भी क्लियर होगा क्योंकि कलर डिफरेंट है, तो आप देख पाएंगे कि कैसे हम स्टिचेस को छोटे बड़े लेते हैं। तो ये देखें हमने डायरेक्शन दे ली है, अब हम इसको किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। इधर से शुरू कर लें, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना इजी होता है। तो ये देखें हम सबसे पहले यूं स्टिच लेंगे। आप यूं ऊपर नीचे नीडल को डाल के भी स्टिचेस ले सकते हैं ऐसे।
इस तरीके से भी आप शेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने येलो कलर के साथ शेडिंग कर ली। अब हम सेंटर में फ्रेंच नॉट लगाकर इस फूल को पूरा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये टू स्ट्रैंड्स के साथ ट्रिपल रैप लेकर ये फ्रेंच नॉट्स लगा के इस पूरे फ्लावर को कंप्लीट लुक दे दी है। लेकिन मेन पर्पस जो आज मेरा आपको सिखाने का था वो था ये शेडिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये मैं शेडिंग किस तरीके से करती हूं, और आप भी इसको इसी तरीके से करेंगे तो आप ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बना पाएंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।